सो हे गाइस वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। अब देखो यार, तुम्हारे पापा मेरे पापा ना जॉब करते नहीं, अब सरकारी प्राइवेट मैटर नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ जॉब मैटर करती है। अच्छा, लेकिन जॉब करने के बाद भी वो लोग हमें इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, हमसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम लोग एटलीस्ट अपने 20-22 की उम्र तक कुछ काबिल बन जाए, कुछ कमाने लग जाए और अपनी छोटी बहन का दहेज जमा करने में अपने बापों की हेल्प करे। लेकिन जरा सोचो यार कि अगर किसी बिजनेस मैन के घर में, वो भी एक ऐसा बिजनेस मैन है जिस बेचारे की इकलौता अधूरा सपना ही रह जाए एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन बनने का, ऊपर से वो हारा हुआ बिजनेसमैन खुद में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो। सोचो अगर ऐसे किसी आदमी के घर में कोई लड़का जन्म ले ले तो उसके अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए। बोलो बोलो, टेल टेल। एटलीस्ट इतनी एक्सपेक्टेशन तो बनते नहीं यार कि मुंडन होते ही उसका बच्चा कोई बिजनेस या धंधा पकड़ के अपने घर में कमा कर देना शुरू कर दे। यस, यू आर राइट। हाँ तो बस यार, इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे ही बाप बेटे की जोड़ी की। बाप नंबर एक तो बेटा दस नंबर एक। राधे राधे बेटे, चलो गोली बेटा अब पापा से बात करवाओ। इसलिए आपकी अगली बिजनेस स्ट्रेटेजी तब तक सीक्रेट रहनी चाहिए जब तक वो पककर तैयार नहीं हो गई। हाँ, हम लोग अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी पकने का इंतजार करें। तो अंकल तुमने खुद क्यों नहीं किया? अभी 10 साल और लग रहे थे तुम्हारी इस स्ट्रेटेजी को पकने में, सिर्फ 8 साल का यही है अभी। बच्चे तेरी। खैर तो बाप बेटे की इस जोड़े को तुमने सोशल मीडिया पे तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा। अगर इन बिजनेस मैन को नहीं देखा होगा तो इन बिजनेस मैन के सक्सेसफुल बिजनेस प्लान को तो जरूर देखा होगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये बच्चा कोई भगवान की मूर्ति से लगा होने की वजह से रो रहा है? ना 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 ना, इस बच्चे ने अपने पापा से खिलौना मांगा था, बाप ने खिलौना बताकर भगवान की मूर्ति उसे पकड़ा दी। और अब अगर बच्चे को कोई बोले कि तुम्हारे खिलौने को हम पानी में विसर्जित करने वाले हैं, बहाने वाले हैं, तो उसका रोना तो निकलेगा ही ना। खैर तो इस सो कॉल्ड बच्चे का नाम है अभिनव अरोड़ा, जो कि खुद को श्री कृष्ण भगवान का सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि बड़ा भाई तक बताता है। पर हाँ, ये जरूर कि मैं ठाकुर जी को अपना, मैं ठाकुर जी का बड़ा भाई हूँ, मैं ठाकुर जी को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। हाँ, तभी तो हमारे श्री कृष्ण भगवान के साथ में ऐसी टिटोलियां करी जा रही है। मैं निहारूं तुझे जो सवारूं तुझे, मेरी आँखें ये कान्हा से। इसे कहते हैं क्यूट रील बनाने के क्रिंज कोशिश। नहीं, श्री कृष्ण भगवान को खेल खिलाया जा रहा है, वो भी झुंझुना बजाने वाला। अब ये बच्चा सही कर रहा है गलत, चलो हम उसको भी एक बार को इग्नोर करते हैं। और अगर सिर्फ इसी रील के कंटेंट की बात करें तो श्री कृष्ण जी ने ना खेल खेल में पूरा गोकुल धाम नाप लिया था और ये लोग कमरे में बैठ कर झुंझुना बजा कर खुश कर रही है। नहीं, श्री कृष्ण जी के साथ खेल के अगर तुम्हें क्यूट रील बनानी है तो कम से कम खेल तो उनकी पसंद का खेल लो। कहीं घर से बाहर जाओ, गिल्ली डंडा खेलो, पिट्टू खेलो, कुछ तो कृष्ण जी से रिलेटेड खेल लो। लेकिन इसी बहाने कम से कम तुम तो घर से बाहर निकलोगे। इसे तो देख के लग रहा है कि ये तो साथ झुंझुना खरीदे भी घर से बाहर नहीं गया होगा। इतनी खातिरी करवावे, इतनी खातिरी करवावे। वाह 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 वाह, भक्ति भी सच में कैसे चीज होती है यार, आदमी को सच में बेवकूफ बना के रख देती है। नहीं तो तुम खुद ही सोचो यार कि एक खुला मैदान और शाम का मौसम, लेकिन फिर भी अगर हम उस खुले मैदान में कपड़े से हवा करने की कोशिश करें तो बेवकूफ तो लगते है ना हम। नहीं, जब हम किसी को जबरदस्ती क्यूट दिखाने की कोशिश करते हैं ना तो ऐसी बेवकूफ हरकतें अक्सर करनी ही पड़ती है। खैर, अब ये तो हो गई पेड़ की बात, लेकिन अब बात करते हैं इसके जड़ की, मतलब कि इस बच्चे के पापा की। बाप नंबर एक। तो अब इनके हिसाब से ना इनका बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि एक बहुत ही क्लेवर बच्चा है, जिसके की ना जिंदगी को लेकर कॉन्सेप्ट एकदम बहुत ही क्लियर है, जिसके अंदर ना कोई भी बचपना नहीं है और ये बच्चे के शरीर में एक मैच्योर इंसान है। ये सब चीजें हैं, मतलब उसे जो करना है उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। और ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्सेप्ट हमारे एक्सपीरियंस से क्लियर होते हैं कि हमें ये करना है जिंदगी में। इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी ये इस दुनिया में आया है, मुझे ऐसा लगता है, जो शुरू में नहीं लगता था बट हमें लगता है कि इसके कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर हैं। हाँ, जबकि वो अलग बात है कि 8 से 1.5 साल पहले की अगर तुम इसकी रीले देखोगे तो श्री कृष्ण जी के भजन गाने वाला यही बालक बॉलीवुड और टोने कक्कड़ के गानों पर रील बनाता हुआ दिख जाएगा। छोटे बच्चे अपने बचपन में हरकत करते हैं बस वैसे ही खेल खेलते हुए दिख जाएगा।
और आज से कुछ टाइम पहले इन्हीं अंकल ने अपने इस बच्चे को एक और तरीके से यूज किया था, जो किया अपने बिजनेस के एड में एक्टिंग करने के लिए। तो ये बच्चों तो मैं कभी आइसक्रीम खाते हुए, खिलौनों के साथ खेलते हुए, तो मतलब कि नॉर्मल बच्चों वाले एक्टिविटी करता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब ये सारी बातें बोलने में यार मुझे खुद अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं एक बच्चे को इसलिए ताने मार रहा हूं क्योंकि वो अपने बचपने में बच्चों वाली हरकतें करता है। लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं बल्कि इस बच्चे के पापा इस अंकल की है, जिन्होंने की इस बच्चे की एक ऐसी इमेज बनाकर रख दिया कि अगर वो अपने बचपने वाली कोई हरकत भी करे तो भी लोग उस पर सवाल उठाएंगे और उसे हेट देंगे। नहीं, इससे बड़ा तो व्लॉगर्स लोगों के बच्चों की किस्मत होती है। अरे कैमरे के सामने ही सही, लेकिन कम से कम वो अपना बचपन जी तो लेते। बात तो सही है, दुनिया किस मॉडल का वेट कर रही है। हमारा सबसे प्यारा भक्त अंदर भक्ति कर रहा है और हमें एक घंटा हो गया खड़े हुए, जब उसकी मूर्ति खत्म होगी और उसको हम ये प्यारा सा मॉडल हैंड ओवर करेंगे। वाह 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 वाह, एक 8-10 साल का बच्चा जो कि स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, वो मैं ऐसा दूर हटके भगवान की भक्ति में लगने की बात करता है, तो उसी बच्चे के थ्रू आईफोन का पेड़ प्रमोशन करवाया जा रहा है। गजब टूबी बाज आदमी। नहीं, एक तो पहली गलती ये यार कि एक 8-10 साल के बच्चों को फोन देते हुए दिखाया जा रहा है। नहीं, ऐसा सुधरेगा समाज? ऐसा होगा बच्चों का विकास क्या? फोन इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं, फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और दूसरी चीज की, एक बच्चा जो कि भगवान की भक्ति में समर्पित होने की बात करता है, तो उससे भगवान का भक्त होने के बजाय क्यों इन्फ्लुएंसर बनाकर ब्रांड प्रमोशन करवा रहे हो तुम? नहीं, और भी लोग हैं जो कि धर्म से जुड़े हुए काम कर रहे हैं और उनके भी लाखों मिलियंस में फॉलोअर हैं, लेकिन वो तुम्हें कभी किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हुए नहीं दिखे, क्योंकि वो पैसा कमाते हैं अपने ज्ञान से, अपना जो कथा वाचन का काम है उस काम से। लेकिन फिर यहाँ पर वही बात आती है यार कि लालच है उस बिजनेसमैन पे जो कि पैसा कमाने की किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे। खैर, तो अब यार अगर सही में बात करें तो मुझे तो यार इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये बच्चा सही में भगवान की भक्ति करता है और कोई ड्रामा नहीं करता है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए किसी खास क्वालिफिकेशन, उम्र या स्किल की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इसकी भक्ति पर सवाल उठाने का काम किया इसके खुद के पिताजी ने, जिन्होंने की शरीर बनवा बनवा कर सोशल मीडिया पर डाली है और इसे एक भक्त के बजाय स्पिरिचुअल ऑडिटर का ही दर्जा दे दिया है। और मुझे दिक्कत बस इसी बात से ही है, मतलब तुम खुद सोचो यार कि ये बच्चा दो बच्चों के माँ बाप को इस दुनिया में जीने की टिप्स दे, ये कोई खपने वाली बात है क्या? मैं भी मानता हूँ यार कि मैच्योरिटी के लिए या फिर समझदार होने के लिए किसी खास उम्र की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यार मैच्योरिटी इंसान में आती है उसके स्ट्रगल से, उसके एक्सपीरियंस के बाद, तभी जाकर तो वो दूसरों को उन चीजों को सही से समझा सकता है, बता सकता है। ठीक है, लेकिन ये बच्चा जिसने की स्ट्रगल भी आज तक सिर्फ अपने पीठ पर खुजली करने में किया होगा, ये कैसे लोग इस दुनिया की अच्छी बुरी चीजों के बारे में बता सकता है यार? बात तो सही है। खैर, बाकी यार अब तुम्हारी इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी यार अगर तुम लोगों को मेरा पर्सपेक्टिव सही लगा हो तो यार इस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो यार वो भी जरूर से कर देना। बाकी आप लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।